हेलो फ्रेंड्स, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं, जिनका इस्तेमाल आप इंग्लिश बोलने में करते हैं, उन शब्दों को जानेंगे और उनका इस्तेमाल किस तरीके से आप करेंगे वो सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे। जितनी सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं उनको नोट्स आप ज़रूर अपनी कॉपी पर जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही आप अपनी कॉपी पर नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ। तो यहां पर देखिए, पहला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अर्थी। अर्थी पढ़ते हैं earthy। अर्थी मीन्स होता है भद्दा, खराब। ठीक है, ये कॉपी पे लिख लीजिए। यहां पे एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, ही इज इनफेमस फॉर हिज अर्थी बिहेवियर। ही इज इनफेमस, फेमस मीन्स होता है नाम जिसका हो, लोकप्रिय होता है। ही इज इनफेमस, वह बदनाम है फॉर हिज अर्थी बिहेवियर। अर्थी बिहेवियर मीन्स होता है खराब व्यवहार के नाम पे वह बदनाम है, यानी वो उसका व्यवहार खराब है इसीलिए वह इनफेमस है। ही इज इनफेमस फॉर हिज अर्थी बिहेवियर। अर्थी बिहेवियर खराब व्यवहार, भद्दा व्यवहार है। कॉपी पे लिख लीजिए। अगला सब देखिए, एग्जॉटिक पढ़ते हैं। व्हाट वी रीड, द वर्ड इज एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मीन्स होता है शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है, तो शानदार के अर्थ में हम एग्जॉटिक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ही वॉज वेयरिंग द एग्जॉटिक ड्रेस। एग्जॉटिक ड्रेस मीन्स क्या होता है, शानदार, बेहतरीन ड्रेस। सो उसने एक शानदार ड्रेस पहनी हुई थी। ही की जगह पे आप सी कर लीजिए, सी वॉज वेयरिंग द एग्जॉटिक ड्रेस। एग्जॉटिक ड्रेस बेहतरीन, काफ़ी अच्छी शानदार दिखने वाली ड्रेस को एग्जॉटिक ड्रेस बोलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना समझते हैं ना, चापलूसी करना होता है फ्लैटर। फ्लैटर एक वर्ब होता है। सो ही फ्लैटर्ड हिज बॉस टू गेट अ प्रमोशन। ही फ्लैटर्ड, उसने चापलूसी की, किसकी, बॉस की। ही फ्लैटर्ड हिज बॉस, उसने अपने बॉस की चापलूसी की, किस लिए, टू गेट अ प्रमोशन। प्रमोशन पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए उसने अपने बॉस की चापलूसी की। उसने तरक्की पाने के लिए अपने बॉस की चापलूसी की। ही फ्लैटर्ड हिज बॉस टू गेट अ प्रमोशन। नेक्स्ट है फ्लैबरगेस्टेड। आप ये बोला भी करिए, फ्लैबरगेस्टेड मीन्स होता है हक्का पक्का हो जाना, डर जाना, भौचक्का हो जाना होता है फ्लैबरगेस्टेड। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही वॉज फ्लैबरगेस्टेड ऑन सीइंग लार्ज बिल्डिंग्स। ही वॉज फ्लैबरगेस्टेड, वो हक्का पक्का हो गया, वो भौचक्का हो गया। क्यों, ऑन सीइंग, देखने पर, लार्ज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके वह हक्का बक्का हो गया, क्योंकि उसके पहले उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी थी और जैसे उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी ही वाज फ्लैबरगेस्टेड। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, फिज। फिज मीन्स होता है बुलबुले उठना या सी सी की आवाज़ आने के लिए हम फिज का इस्तेमाल करते हैं। सैम्पेन, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सैम्पेन वाज फिजिंग इन द ग्लास। सैम्पेन होता है एक तरीके की एक शराब होती है। ठीक है, एक तरीके की ड्रिंक होती है, शराब होती है, उसको हम सैम्पेन बोलते हैं। सो सैम्पेन वाज फिजिंग इन द ग्लास, जो सैम्पेन थी, सैम्पेन से बुलबुले उठ रहे थे या सैम्पेन से सी सी की आवाज़ आ रही थी। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं फिज। अगला देखिए, फ्लैबी। फ्लैबी मीन्स होता है पिलपिला, जो मजबूत ना हो, पिलपिला। इसको एग्जांपल से समझते हैं, एज ही डजंट टेक एक्सरसाइज हिज मसल्स आर फ्लैबी। एज ही डजंट टेक एक्सरसाइज, क्योंकि, जैसा कि, एज, जैसा कि, या क्योंकि, ही डजंट टेक एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज नहीं करता है, हिज मसल्स आर फ्लैबी, उसकी मसल जो है वो पिलपिली हो गई हैं। इफ यू विल नॉट डू एक्सरसाइज योर मसल्स विल बिकम फ्लैबी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपकी भी मसल्स फ्लैबी हो जाएंगी, पिलपली हो जाएंगी, मजबूत नहीं होंगी। तो जैसा कि वह एक्सरसाइज नहीं करता है, क्योंकि वह एक्सरसाइज नहीं करता है, हिज मसल्स आर फ्लैबी, इसीलिए उसकी मांसपेशियां जो हैं, मसल्स मीन्स मांसपेशियां, वो फ्लैबी हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं। बट इफ़ यू विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज योर मसल्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग, आपकी मसल्स जो हैं वो मजबूत हो जाएंगी। सो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज फ्रॉम टूडे एंड मेक योर
मसल्स स्ट्रांग और अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए। ये छोटा सा वीडियो था, इन सारे शब्दों को आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और ये कैसा लगा, ये शब्द जो आप क्या डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आप पुराने हैं तो आप बी एश्योर कि आपने बेल आइकन को आपने दबा दिया है, घंटी को आपने दबा दिया है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा आगे आने वाले वीडियोज़ का। कोई सजेशन होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।